कहना बहुत अच्छे। बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया। आवाज थोड़ी बढ़ाओ यार, क्या कहना। कट पीस पड़ा गया। बड़े सुंदर तरीके से जवाब भी आपके आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आता जब हम बैठते हैं, जब हम गाते हैं, बड़ी पब्लिक छोड़ के देते हैं आपको, और आप सारी पब्लिक भगा देते हैं। क्या बताएं, ये गुणा, ये भाग, ये जाने क्या क्या आपने गाया, सब सर के ऊपर से निकल गया, लोगों का, लोगों के सर के ऊपर से निकल गया, लोग चल दिए, चले गए भाई, बिना मतलब का पूरा मैदान साफ कर दिया आपने, पूरा का पूरा मैदान खाली हो गया। सोचा था ऐसे गाने गाएंगे आप, लोगों को समझ में आएंगे। बताइए, एक बार यूट्यूब निकल गया तो चचा तो जाने कई बार गलत कह गए, यूट्यूब के पीछे पड़ गए। अरे क्या बताएं, लेकिन आपने कभी गौर किया, आप कह रहे थे बड़े बिद बिद। अरे हम नाखून उखाड़ने वाला काम थोड़ी करते हैं, कसाई का काम, विद्वान की जगह ब्याद, बड़े ब्याद, फिर बड़े विद्वान कह गए आप। ये तो चलता रहता है, हम कहते बड़े ब्याद, और क्या, आप पीछे ही बढ़ जाए उसका, बड़े ब्याद। ताली बजाने वाला काम आप करते हैं चचा, तभी आपको याद आती है। हाँ चले गए, मैदान ही छोड़ के भाग गए। हेलो, बड़ा सुंदर गीत पड़ा गया कटबीज। और शीश की उम्र प्यार में अरे टूटा जो दिल किसी का, हैरत की बात क्या। अरे टूटा जो दिल किसी का, हैरत की बात क्या। शेष कभी कटता ही नहीं है, इसमें अब शेष क्या। और अरे छूते ये टूटा धनुआ, अरे छूते ये टूटा धनुआ, रगे बरे का दोष क्या। अरे छूते ये टूटा धनुआ, रगे बरे का दोष क्या। लक्ष्मण जी कहने लगे, लेत चलावत खेचत गाड़े, काऊ ना लखा देख सब छाड़े। अरे हे मुनिवर, इसको कोई भी नहीं देख सका,
काऊ ना लखा देख सब ठाड़े, इसमें दोष प्रभु राम का नहीं है, इसको कोई नहीं देख पाया, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, किसी ने नहीं देखा, इसलिए सुनेगा गुरु की पाके आज्ञा रघुवर चल दिए जैसे ही गुरु ने आज्ञा दी रघुवर चल दिए धनुआ उठाया कर से प्रश्नों के हल किए और देखा नहीं किसी ने अरे देखा नहीं किसी ने तो फिर इनका दोष क्या देखा नहीं किसी ने इसलिए जब देखा नहीं किसी ने फिर छूने का दोष क्या जब देखा नहीं किसी ने फिर छूने का दोष क्या जब देखा नहीं किसी ने छूने का दोष क्या जब देखा नहीं किसी ने छूने का दोष ये 101 रुपए हमारे बापूजी की तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सही जवाब पर पुरस्कार आ रहा है। एक गीत भी बड़ा अच्छा पढ़ा गया, उस गीत को आप गाने के साथ साथ सुबह बैठ करके आप 10 लोगों के सामने उस गीत को समझाए हैं पहले, और क्या कम से कम 1 घंटे समझाए, मैं आपको 1 घंटा दूंगा बिल्कुल 10 लोगों को बैठा के, और फिर 10 लोगों में 5 लोग जो कहते हैं कि मुझे ये गाना समझ में आ गया, और क्या इसमें इतना मिलाया फिर उसमें इतना गोला किया फिर उसको तो घटा दिया तो फिर रह गया दो शेष रह गया है, राम लिखिए पर ब्रह्म लिखिए तो 108 आ जाएगा, और क्या नहीं आता, इतने कठिन मैटर की यहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात आपने कही है, प्रयास करूंगा। तर्ज पड़ेगी बड़ी सुंदर, ये मेहंदी के बूटे शेर जाग गया भाई, यही तो बात है। ये लो बापू की तरफ से 101 रुपए पुरस्कार प्रदान हुए हमारे रविंद्र भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ढोलक कोई जोड़ नहीं, ये मेहंदी के बूटे और इसके रंग अनूठे, ये एक बार जो ये लग जाए एक बार जो ये लग जाए सारी उम्र न छूटे, मेहंदी लगी है तेरे नाम की
राधा तो दीवानी हुई श्याम की, मेहंदी लगाओ तेरे नाम के, राधा तो दीवानी बापू, क्या बात है। 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हौसला आप जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है बापू जी। रंगत पैदा कर रहे हैं बापू, मान गए बापू तो बापू में। बड़ी अच्छी बात, आपकी टेक बहुत अच्छी लगी, उस टेक को मैं जरूर गाना चाहूंगा। बड़ी अच्छी टेक आपने गाई है, बड़ी सुंदर टेक सजा के आई है। आप जिस किसी का भी ये गीत लिखा हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया, प्रणाम करने योग्य हैं। जो धनुआ को तोड़े, क्या बात है, क्या बात है, जय जियो जियो। भैया जी की तरफ से 21 रुपए प्रदान हुआ है, जो हमारे साउंड सर्विस है कुठौंद वाले श्याम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनकी तरफ से 21 रुपए प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ पहली लाइन की मैं आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, पहली लाइन बहुत अच्छी आई है। जिस प्रकार आपने मेरी लाइन को गलत बताया है, मैंने कहा था लग रहा कुल में कुल से दाग मिटाने आजा, और आपने कहा कि नहीं दाग लगे ही नहीं, मिटाने के लिए कैसे आजा। मैंने पहले कह दिया था लग रहा कुल में कुल से दाग, तो मिटाने के लिए आजा, तो मिटाने के लिए ऐसा नहीं, आप वहीं बैठे बैठे विचार भी बदल सकते हैं, आप वहीं बैठे बैठे दुष्टों के विचार भी बदल सकते हैं, तो ये काम रुक भी सकता है। ये लाइन उसमें, ये भाव थे उसमें, आपको भाव आपने उसको तोड़ करोड़ दिया। इसी प्रकार मैं आपकी लाइन को भी गलत बता रहा हूँ, दूसरी लाइन को, पहली लाइन आपने क्या कहा। हम लोग ये जबरदस्ती का ये नहीं कहते, माँ साहब हैं, आचार्य जी, आपने कहा जो धनुआ को लेकिन लाइन गलत है बाबूजी, दूसरी लाइन गलत क्या है, अरे अटल प्रतिज्ञा सुन राजा की, अटल प्रतिज्ञा सुन राजा की, रह गए हाथ सिकोड़े। क्या बात है। अच्छा एक बार बताओ, जैसी राजा ने प्रतिज्ञा की सब हाथ सिकोड़ के रह गए, हाथ सिकोड़ के नहीं रह गए, सभी हाथ फैला दिया, बोले बोले हम धनुआ को तोड़ेंगे, और क्या है? सभी ने हाथ फैलाए, ये बात अलग है कि धनुष तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन हाथ सभी ने फैलाए और हाथ भी आजमाए, और आपके दिल में गए हाथ सिकोड़े। गलत है, समझ लो चाचा, इस बार कहा आपने, मैं मां सुनाऊं सुख धाम की, सीता तो बनी है बस राम की, जवाब सुनेगा। आपने कहा गौर वर्ण यदि लखन है तो श्याम वर्ण की प्रिय उर्मिला है, और यदि शत्रुघ्न गौर वर्ण है तो श्याम वर्ण जो कि उनकी, हाँ
ये मामला पति पत्नी में कोई गौरव वर्ण का पति है तो श्याम वर्ण की पत्नी है और श्याम वर्ण का पति है तो गौरव वर्ण की पत्नी है, ये मामला आपने फंसा दिया इसमें। तो देखिए बिल्कुल मिलती जुलती बात मैं आपको दे रहा हूँ, जवाब मैं सुनिएगा। जैसे आदि शक्ति ने अपनी हथौड़ी से फफोले फोड़े उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, उनसे कहा कि तुम हमसे विवाह कर लो, ब्रह्मा ने मना किया, विष्णु ने मना किया, दोनों को जला दिया। शंकर ने कहा हम तैयार है लेकिन मेरे दोनों भाई जीवित हो जाएंगे। आदि शक्ति ने जीवित कर दिया तीनों लोगों को, तो शंकर जी ने कहा आप अपने तन से तीन देवियां तीन देवताओं के लिए पैदा करिए। आदि शक्ति ने तीन देवियां हमारा मां ब्रह्माणी पैदा कर दी और तीनों का विवाह रचा दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो सुनिएगा जवाब सुनिएगा मैं इसमें दे रहा हूं, सुनिए। तो ऐसी जोड़ी जोड़े जिसे ना कोई बिछोड़े, कोई बिछोड़े नहीं, बिल्कुल सही बात। सुर नर मुनि सब चकते हुए हैं, सुर नर मुनि सब चकते हुए हैं, रह गए हाथ क्यों जोड़े, हाथ जोड़े नहीं ना, हाथ को जोड़े, हाथ जोड़े, ये है क्यों कलम। जोड़ी तो बनाई सुख धाम की, छाकी अनोखी गौर श्याम, गौर वर्ण की और श्याम की जोड़ी तो बनाई सुख धाम की, छाकी तो अनोखी गौर श्याम, जोड़ी तो बनाई गौर श्याम की, जोड़ी तो बनाई गौर श्याम। कैसी अनोखी जोड़ी बनाई सुनिएगा, कैसी श्याम वर्ण है श्री विष्णु का और लक्ष्मी गौरी श्याम अगर विष्णु का है तो लक्ष्मी जी गोरी पाई है, बिल्कुल। और सुनिएगा और सुनिए आप लोग, श्याम वर्ण है पार्वती का तो शिव जी गोरी, शिव गोरी छवि पाई, कर्पूर गौरव करना उतारम, अगर भगवान शंकर की पत्नी पार्वती काली है तो भगवान शंकर गोरे, जय हो जय हो। तो श्वेत वर्ण ब्रह्मा जी का श्वेत ब्रह्माणी माई, तो झाकी है ललित ये ललाम की, ऐसे अनोखी गौर श्याम की, झाके अनोखे ललाम की, ये सुनिएगा जो कि उसमें दो अक्षर है उनकी पत्नी में, दो अक्षर उनके पति में, दो अक्षर उनके में चार अक्षर, उनके चार अक्षर, ये सुनिएगा जवाब आपको। दूसरा अंतरा जो आपने भरा है, एक कठिन गीत का मैं जवाब दे रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा कैसे जवाब को निकाला जाता है, ये गौर करिए। ढाई अक्षर विष्णु शुरू में ढाई अक्षर तो लक्ष्मी में भी ढाई है, बहुत बढ़िया। और दो अक्षर शिव के हैं तो उमा में दो ही आए, दो की महानता को हम और कैसे यहां बताए, जोड़ी तो बहुत बढ़िया जोड़ी तो
की अनोखी कारिशा जोड़ी तो बनाई सुख धाम की कैसी अनोखी घनश्याम की जोड़ी तो बनाई सुख धाम की कैसी अनोखी घनश्याम की वैसे तो 108 सभी आप गा गई हैं, लेकिन 108 का अंक मैं बता सकता हूँ। 12 राशियों में 9-9 अक्षर हैं, 12 राशियों में 9-9 अक्षर पाए जाते हैं, तो 12 नम्मा 108 और भुवन 14 10 दिशाएं और ये लोक जो है 14 है, ज्योति 12 है, धाम भी 4 है, पीठ भी 51 है, ये सब आप मिला दीजिए तो 108 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये है आचार्य जी की। समय का अभाव है, 30 मिनट का समय दिया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, और सियाराम सब जग में जानी करम प्राण जोर जो पानी। आइए गीत की ओर चलते हैं, जो कि बड़ा अच्छा गीत आपने दिया है, तो मैं भी प्रयास करूंगा सुंदर गीत लेकर गया हूँ। हम लोग ऐसे उपवास नहीं करते हैं, माँ साहब है, आचार्य जी है, समझो बात को। गला है, सुनिएगा, बिल्कुल सरल गीत मैं दे रहा हूँ आपको, कठिन नहीं दूंगा, लोगों की समझ में आए बस वो गीत मैं दूंगा आपको, सुनिएगा। सही बात है। अरे यूं ना अदाओं की बिजली गिराना, क्या बात है, हो गया।
कह दिया कुछ हो गया तो क्या करोगे, बस लाइन को सुनिएगा, सुनिए आप लोग। पापी जालंधर का जब बढ़ गया अत्याचार, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने मिलकर के कीना विचार, सभी मंत्रणा होने लगी कि आखिरकार इसको कैसे मारा जाए, तीनों लोग पीड़ित हो गए इससे। विचार बना तो हुआ क्या, क्या हुआ, मंत्रणा हुई शंकर जी युद्ध करेंगे और विष्णु भगवान जाएंगे उनके साथ छल करेंगे, लेकिन जाना जब विचार इंद्र ने तो मन में शंका लाए और रोक लिया ब्रह्मदेव को, फिर ऐसे वचन सुनाए इंद्र ने रोक लिया ब्रह्मा जी को और कहने लगे प्रभु मेरी बात तो सुनते जाओ, तीनों देवताओं ने मंत्रणा कर ली, ये जाके छल करेंगे और ये जाके युद्ध करेंगे, तो सुनिएगा बोले क्या शंका है तुम्हारे मन में। तो इंद्र कहने लगे हे प्रभु लड़ेंगे जलंधर से, लड़ेंगे जलंधर से शिव त्रिपुरारी ये, और विष्णु चलेंगे उनके पत प्रत नारे, भगवान विष्णु उनकी नारी के साथ चलेंगे, लेकिन लेकिन एक शंका है, कुपित हो न जाए लक्ष्मी माता, ये कारण क्या है, जलंधर तो है उनका भाई है लक्ष्मी जी का, और उसको मारने के लिए मंत्रणा हो रही है, इसलिए प्रभु जलंधर तो है उनका भ्राता, वश ये चलते चलते हरी कायरा बदल गया तो क्या करो, जा तो रहे चलने के लिए, अगर इरादा बदल गया तो फिर क्या करोगे, तो फिर क्या करोगे, इसलिए प्रभु चलते चलते जरा सोच भगवान, युद्ध टल गया तो क्या करो, चलते चलते जरा सोचो भगवान, युद्ध टल गया तो क्या करो, युद्ध टल गया तो क्या करो, युद्ध टल गया तो क्या करो। दूसरी बात सुनिएगा, त्रेता में आ जाइए, भगवान राम जामवंत जी कहने लगे हे प्रभु आपने बड़ी प्रतिज्ञाएं कर ली, रावण के वध का बीला उठा लिया, वो जो उठाए प्रण कीन, आपने विभीषण को भी राजा बना दिया, आपने तिलक कर दिया हम तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जामवंत जी कहने लगे प्रभु रावण के वध का Thank you.
बात है। हे प्रभु रावण के बधे का बीड़ा उठाया और तो और विभीषण को राजा पहले से बनाया। आपने विभीषण को भी राजा पहले से बना दिया, लेकिन बोले जाम बल्त सुन लो दिन ये हमारी शरण आ गया यदि रावण तुम्हारी रावण तुम्हारी रावण तुम्हारी ये शरण आ गया यदि रावण तुम्हारी तो वैसे ये होना तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जामद जी कहने लगे ढलते ढलते यदि साचे में वो ढल गया तो क्या करो। लेकिन भगवान राम ने कहा मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। विभीषण को अगर इधर का राजा तो अयोध्या का राजा उसको बना दूंगा। लेकिन जामद जी कहले आपने भोज उठा के प्रण किए कि निश्चर विहीन करो तो इसके प्रण का क्या होगा। प्रभु चलते चलते जरा सोचो भगवान युद्ध टल गया तो क्या करो। चलते चलते जरा सोचो भगवान युद्ध टल गया तो क्या करो। द्वापर में आ जाइए, सत्ययुग त्रेता द्वापर में आ जाइए। अगर युद्ध टल गया तो क्या करोगे। भगवान राम भगवान श्याम सुंदर जो है संधि प्रस्ताव लेकर के लिए चले। सोचा कि शायद पांडव कौरव में सुलह हो जाए तो द्रौपदी ने भगवान को रोक लिया। हे प्रभु आप जा तो रहे लेकिन मेरी एक बात को सुन। कहने लगी द्रौपदी द्रौपदी सुता बोले द्रौपदी सुता बोले सुने लो कन्हैया और मैं हूँ पहले और तुम मेरे भैया जलते जलते पलते पलते कोई भाव सुंदर यदि पल गया तो क्या करोगे। वैसे ये भाव पलना तो नहीं चाहिए, संधि प्रस्ताव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दुर्योधन जो मान गया तो फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। ये मेरे खुले केस हैं, ये कैसे बांधे जाएंगे। मैंने दुशासन के लहू इस बालों को भिगोना चाहा और
भीम की प्रतिज्ञा क्या क्या होगा, उस दुशासन के लहू कैसे पिएगा अगर संधि प्रस्ताव हो गया। इसलिए प्रभु ध्यान रखें, पल पे पल ते कोई भाव सुन, यदि पल गया तो क्या करो। इसलिए चलते चलते जरा सोचो भागे वल, युद्ध टल गया तो क्या करो। चलते चलते जरा सोचो भगवान, युद्ध चल गया तो क्या करो। ओ युद्ध चल गया तो क्या करोगे, युद्ध चल गया तो क्या करोगे, युद्ध टल गया तो क्या करो। छोटा सा कटपीस लेकर के चलते हैं, उसको सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, फिल्मी दुनिया ने कहा क्या, कहा फिल्म वालों ने, उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है। जिगर का साज कहा करती है, उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है, तीस उठकर जिगर का साज कहा करती है। भले ही सब ताज महल ना बनवा पाए लेकिन सबके दिल में मुमताज रहा करती। सही बात। और जब मुमताज रहा करती है तो अपने मुमताज के लिए सभी गाना गाते हैं। बापू क्या गाते हैं, क्या कि तू 16 बरस की, क्या बात है रविंद्र भाई, कोई झूल नहीं आपका। लेकिन सुनिएगा गाने को, सुनिएगा इधर से जो तर्जे आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, उन पे ध्यान मत दीजिए। मैं प्रयास करता हूँ, रात भर प्रयास करता रहूंगा, और मैंने रात भर प्रयास किया है कि कुछ ऐसी तर्जे हो जो लोगों को अच्छी लगे। लेकिन सुनिएगा भैया जी ने 51 रुपए हमारे रविंद्र भाई को दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। गुट गुट प्रणाम है। भैया ये हमारे श्री मंकुश चौहान और डीके पांडे दोनों की तरफ से 51 रुपए प्रदत्त हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा सभी उधर ताप रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है,
सत्रह बरस की, मैं सत्रह बरस का, ये तू सोलह बरस की, मैं हूँ सत्रह बरस का, ये वो भी बिन बुलाए। तो भगवान शंकर ने रोका कि देखो तुम्हें बिना बुलाए वहां जाना नहीं चाहिए, निमंत्रण नहीं आया है। लेकिन सती जी मानी नहीं, जिद पे अड़ गई। तो भगवान शंकर समझाने लगे, कहने लगे अरे प्रिय क्या समझा रहे हैं, क्या समझा भगवान शंकर क्या समझा रहे हैं, सुनिएगा सुनिए आप लोग। कहने लगे अरे सती, इज्जत से कोई किसी को बुलाए तो क्या हो, तो भगवान शंकर जी के गढ़ वहीं खड़े हुए थे, वो भी आवाज लगाने लगे, बोले प्रभु सम्मान हो। भगवान शंकर ने फिर कहा कोई बिन बुलाए और यदि चला जाए तो क्या हो, क्या बात है। बड़े कण समझदार थे लेकिन वो गुणा भाग नहीं जानते थे, गुणा भाग नहीं जानते थे। और क्या बताएं भैया, डीके पांडे की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया डीके भाई, बहुत बहुत प्रणाम है। क्या कह रहे हैं तो देखें, कहने लगे भगवान शंकर कि चाहे वहां मान हो चाहे सम्मान हो, पर उसके घर मत जाओ सती, उसके घर मत जाओ सती, और जिसको बड़ा अभिमान हो, उसके घर मत जाओ जिसको बड़ा अपमान हो। बिल्कुल सही बात। क्यों तू भोली भाली, मैं हूं भोला भाला, भोली भाली मैं हूं भोला भाला, मानो मेरा कहना है, मानो मेरा कहना बस, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना, वरना ऐसे घमंडी रिश्तेदारों से कुछ हो गया तो फिर ना कहना। ये सती क्या बात है बाकी भाई, मानो मेरा कहना है, मानो मेरा कहना ऐसे नातेदार से दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कुछ हो गया तो फिर ना कहना।
बोलियो शंकर भगवान की। पुनः हाँ, और देखिए आप लोगों के समक्ष पुनः हमारे जो बहन कल्पना दुबे हैं आ रही हैं आप लोगों के सामने बड़े सुंदर गीतों के साथ, आप लोग श्रवण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इन 51 रुपए हमारे हल्के भाई के लिए आए थे जो कि हमारे आज संगत कर रहे हैं बैकिंग पर, और बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आप लोगों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.